नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात बकी बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। आज के एक्स्ट्रा कवर की शुरुआत एक मजेदार किस्से से करते हैं। ये किस्सा है देश की आजादी से पहले का, 1940 के उस दशक का, जब आजादी की छटपटाहट अपने चरम पर थी और देश भर में आंदोलनकारी इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे थे। देश के सुदूर उत्तर में बसी टिहरी रियासत में भी राजशाही के खिलाफ आवाज उठने लगी थी, बल्कि यहां तो आंदोलनकारी दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे, एक तो राजशाही के खात्मे की और दूसरी भारत देश में विलय की। उन्हीं दिनों टिहरी शहर में बच्चों की एक टोली रहा करती थी जो आंदोलनकारियों को बड़े रोमांच से देख रही थी। आंदोलनकारी जब नारा उछालते इनकलाब जिंदाबाद, तो ये बच्चे भी मुट्ठी भींचे हुए दोहरा देते इनकल्ला उनकल्ला। 8-10 साल के इन मासूम बच्चों के कानों में जब इनकलाब जिंदाबाद का सामूहिक स्वर पड़ता, तो उन्हें लगता कि तमाम गढ़वालियों ने अब कुछ तो बड़ा करने की ठान ली है, जिसका उद्घोष करते हुए वो सबको बता रहे हैं कि हम इनकल्ला उनकल्ला। आगे चलकर इसी टोली का एक बच्चा बीएसएफ के आईजी पद तक पहुंचा और अब तकरीबन 90 साल की उम्र को छू रहे उसी बच्चे ने हाल ही में मुझे ये किस्सा सुनाया। इस किस्से का जिक्र आज इसलिए क्योंकि हमारी प्रदेश सरकार इन दिनों बिल्कुल इसी तर्ज पे काम कर रही है। चौतरफा अव्यवस्थाओं की आलोचना से घिरी हमारी सरकार आए दिन बस इनकल्ला उनकल्ला ही गा रही है। मौजूदा सरकार और टिहरी के उन बच्चों में फर्क बस इतना है कि वो बच्चे तो अपनी मासूमियत के चलते इनकलाब जिंदाबाद को इनकल्ला उनकल्ला समझते थे, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसी धूर्त है कि अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए कुछ इनकलाबी करने की बजाय जानबूझकर कोरस में गा रही है कि इनकल्ला उनकल्ला भों कुछ फर्क है दियोला। लेकिन धरातल पर स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली बनी हुई है। इसका साक्षात प्रमाण देखना है तो चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं को देख लीजिए और इसकी शुरुआत हरिद्वार के रजिस्ट्रेशन काउंटर के इस वीडियो को देखने से कीजिए। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए लाइन में लगे इन तमाम लोगों की आपबीती को महसूस करके देखिए। गर्मी का पारा जब सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तब दिन दिन भर लाइन में खड़े ये लोग ये भी नहीं जानते कि इनका नंबर कब आएगा, कब यात्रा शुरू होगी और ना जाने कब इन्हें यहाँ से हाँक दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करना और ऑनलाइन पंजीकरण करना आज भी दूर की कौड़ी है। देश की एक बड़ी आबादी आज भी ऐसी है जो रेलवे काउंटर पर टिकट से लेकर बैंक के फॉर्म तक किसी दूसरे से भरने को कहती है, क्योंकि उसे फॉर्म भरना भी नहीं आता। इसी आबादी का बड़ा हिस्सा है जो बिना किसी आडंबर के और पूरी श्रद्धा लिए देश के कोने कोने से चारधाम यात्रा के लिए आता है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में ये आबादी सबसे पीछे होती है और वो वीवीआईपी सबसे आगे, जिनके लिए अब केदारनाथ में हेलीपैड से और मंदिर प्रांगण तक जाने के लिए भी थार तैनात कर दी गई है। खुद ही सोचिए, क्या केदारनाथ में उतारी गई ये थार इस भीड़ में दिखाई दे रहे किसी भी भारतीय के लिए भी है? दुनिया भर के मैनेजमेंट कॉलेजों में उत्तराखंड सरकार का उदाहरण देते हुए सिखाया जाना चाहिए कि हाउ नॉट टू प्लान थिंग्स। सरकार के प्रति सहानुभूति रखने वाले कुछ लोगों को अगर ये बातें ज्यादा कठोर लग रही हैं, तो उन्हें ये क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार दावा करती है कि हमारी तैयारी पूरी है और हम बड़ी से बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों की व्यवस्था के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के इन दावों की पोल पहले ही दिन खुल जाती है जब सड़कों से लेकर पैदल मार्ग तक ऐसे जाम होते हैं कि लोगों को 24-24 घंटे जाम में फंसना पड़ता है। इसके बाद भी सरकार बहादुर अपनी पीठ थपथपाते हुए सिर्फ आंकड़ों पर जोर देती है और यात्रियों की संख्या को उपलब्धि की तरह बताती है। कुछ दिनों बाद ही जब स्थिति और बिगड़ने लगती है, तो सरकार को एहसास होता है कि उसने जितने बाराती बुला लिए थे, उतना कलियों पकाना उसके बस में अब है नहीं। अव्यवस्थाओं के चलते जगह जगह उत्तराखंड सरकार हाय हाय के नारे लगने लगते हैं। देश विदेश से पहाड़ आए यात्री समलौण की जगह सिर्फ कड़वे अनुभवों की गठरी समेटे लौटने लगते हैं। तब सरकार को लगता है कि यात्रा पर नियंत्रण करना चाहिए और वो अचानक घोषणा कर देती है कि पंजीकरण फलानी तारीख तक पूरी तरह बंद रहेंगे। ऐसे में लाखों लोग जो घर से चारधाम के लिए निकल चुके होते हैं, अब कखी जुगा नहीं रह जाते। और सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि ऐसे कुप्रबंधन का शिकार उत्तराखंड के वो व्यवसाय भी हो रहे हैं जिनके लिए यात्रा के ये सीमित महीने ही आजीविका का एकमात्र साधन है। जगह जगह स्थानीय लोग और व्यापारी सरकार के ऐसे प्रबंधन का विरोध कर रहे हैं। गंगोत्री, गंगनानी, झाला समेत कई जगह स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालने से लेकर होटल बंद रखने तक के कदम उठाए। ऐसे में कई क्यूट लोग ये भी तर्क देते हैं कि सरकार आखिर करे तो करे क्या, यात्री ज्यादा भेजे तो पर्यावरण से लेकर अव्यवस्थाओं तक की बात होने लगती है और यात्रियों पर रोक लगाते तो व्यापारी हंगामा करते हैं।
ऐसा तर्क देने वाले भारी क्यूट लाटे कालों को समझना चाहिए कि भली जी हुंदी छुमा बहुत धारी धार के ले जांदी। हकीकत ये है कि उत्तराखंड सरकार जिस तरह से यात्रा को मैनेज कर रही है उससे भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी के राजा की याद हो आती है। सही मायनों में देखा जाए तो भगवान की ये यात्रा सच में भगवान भरोसे ही चल रही है। इसे विस्तार से समझना है तो उन बिंदुओं को देखा जा सकता है जो बीते हफ्ते SDC फाउंडेशन यानी सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन द्वारा आयोजित राउंड टेबल में चिन्हित किए गए। चारधाम यात्रा में हो रही समस्याओं को लेकर आयोजित इस चर्चा में पब्लिक पॉलिसी, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जियोलॉजी, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने भाग लिया। चारधाम यात्रा संकट से समाधान नाम से आयोजित इस चर्चा में फाउंडेशन के प्रमुख अनूप नौटियाल ने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए 6 प्रमुख बिंदुओं पर काम करने की जरूरत बताई। रणनीति, प्रबंधन, सुरक्षा, पर्यावरण, क्राउड मैनेजमेंट और इकोनॉमी, इन सभी पहलुओं को एकीकृत करते हुए राज्य सरकार को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। उन्होंने चारों धाम की कैरिंग कैपेसिटी के सवाल को भी उठाया जिस पर आज तक कोई भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है। सरकार किसी भी वैज्ञानिक आधार पर आज तक धामों की कैरिंग कैपेसिटी ही तय नहीं कर सकी है, जिसे पूरी यात्रा को मैनेज करने का सबसे बड़ा आधार होना चाहिए था। जब यही तय नहीं होगा कि प्रतिदिन कितनी संख्या में लोग किस घाटी में भेजे जा सकते हैं, तब तक सरकार की स्थिति लास्ट बॉल पर 105 रन मारने वाली ही रहेगी और ऐसी स्थिति में सरकार इन कल्ला उन कल्ला के कोरस से इतर कुछ कर भी नहीं सकेगी। SDC द्वारा आयोजित इस चर्चा में शामिल हुए डॉक्टर्स ने जब चारधाम यात्रा से जुड़े अपने निजी अनुभव बताए तो सरकार के कुप्रबंधन का वो पहलू भी सामने आया जिस पर ज़्यादा चर्चा तक नहीं होती। उन्होंने बताया कि धामों में जो एम्बुलेंस तैनात की जाती हैं, अव्वल तो उनकी संख्या ही बहुत कम है, ऊपर से उनमें लगे ऑक्सीजन सिलेंडर शुरुआती 2 महीनों में ही पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और उन्हें दोबारा भरने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। ऐसे में भगवान की शरण में आए बीमार यात्री सच में देवता शरणम ही हो जाते हैं। चर्चा में शामिल डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि चारों धाम में आए यात्रियों की मौत का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, असल में आंकड़ा उससे लगभग 2 गुना होता है जिसे लगातार छिपाया जाता है। यानी अभी 1 महीने से भी कम समय में जो 70 से ज़्यादा मौतों की बातों की पुष्टि हुई है, असल में ये आंकड़ा इससे लगभग 2 गुना है। पिछले हफ्ते केदारनाथ का वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर से एक थार गाड़ी को केदारनाथ धाम में उतारते हुए देखा जा रहा है। इसके बारे में पहले सुना गया कि यह किसी VVIP के लिए यहाँ पहुँचाई गई है। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि मंदिर परिसर में गाड़ी पहुँचने संबंधी कोई पूर्व सूचना पहले जारी नहीं की गई थी। इस पर जब चर्चा बढ़ी तो सरकार की तरफ से कहा गया कि बीमार और लाचार लोगों की सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक तरफ सरकार बहादुर कहती है कि केदारनाथ जैसी कठिन जगह जाने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य हो और बीमार लोग वहाँ जाएँ ही नहीं, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों का हवाला देकर वहाँ गाड़ी पहुँचा दी जाती है। प्रतिष्ठित भूवैज्ञानिक SP सती इस प्रकरण पर कहते हैं कि ये सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा मसला नहीं बल्कि स्थानीय आर्थिकी के लिए ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। पर्यावरण को तो इससे कहीं ज़्यादा नुकसान लगातार गड़गड़ाते हेलीकॉप्टर, वहाँ चल रही JCB मशीनें और विवेकहीन निर्माण कार्य पहुँचा रहे हैं, लेकिन अब थार गाड़ी के वहाँ आने से पालकी, कंडी और घोड़े खच्चर वालों के पेट पर लात पड़ेगी। इसके साथ ही प्रोफेसर सती ये भी कहते हैं कि मंदिर परिसर में गाड़ी पहुंचने के पीछे कोई हिडन एजेंडा भी हो सकता है कि भविष्य में केदारनाथ से नीचे की ओर धीरे धीरे सड़क खोदने का काम शुरू कर दिया जाए। सड़क खोदने को लेकर सरकार की प्राथमिकता भी कैसी जगबग है, इसका अंदाज़ा आप इस खबर से लगा लीजिए। पिथौरागढ़ के कनार गाँव में पिछले हफ्ते 53 साल के जीत सिंह परिहार की मौत इसलिए हो गई क्योंकि बीमार पड़ने पर उन्हें गाँव से 16 किलोमीटर दूर कंडी से पहुँचाया जाना था। वो इसलिए क्योंकि कई साल से मांग करने के बाद भी उनके गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची है। दूसरी तरफ पहले से बनी सड़कों को चौड़ा करने का ऐसा पागलपन सरकार को सवार रहता है कि पहाड़ के पहाड़ डायनामाइट से उड़ा दिए जाते हैं। इसका नतीजा कितना घातक होता है उसका एक उदाहरण बीते हफ्ते भी देखा गया जब गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबराणी के पास पहाड़ टूटने से कई वाहन इसकी चपेट में आए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये वही इलाका है जिसे लोहारी नागपाला परियोजना के चलते सुरंगें खोद खोद कर खोखला किया जा चुका है। ये परियोजना तो भले ही बंद हो गई थी लेकिन इसके लिए खोदी गई सुरंगें आज भी वैसी की वैसी छोड़ दी गई हैं। बिना किसी मेंटेनेंस के ये सुरंगें अब एक टाइम बम की तरह हो गई हैं जिसका नुकसान आसपास के गांवों में साफ देखा जा सकता है जहां भूधसाव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के तमाम पहाड़ों पर होने वाली भूस्खलन की घटनाओं को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज़्यादा घटनाएँ वहीं हो रही हैं जहाँ सरकार ऑल वेदर रोड बनाने के नाम पर सड़कों का चौड़ीकरण कर रही है, जबकि पुराने जो लूप रूट हैं वो आज भी सबसे सुरक्षित हैं और आपदा आने पर यही रूट
पहाड़ की लाइफलाइन साबित होते हैं। सड़कों की असली जरूरत कहाँ है, इसे समझने के लिए पत्रकार शैलेंद्र गोदियाल की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की मोरी तहसील का एक और गांव बीते हफ्ते आग की चपेट में आया और सड़क न होने के चलते अग्निशमन दल 4 घंटे की देरी से वहां पहुंच सका। इस क्षेत्र में हर साल आग लगने की घटनाएं होती हैं और इस मोर्चे पर भी कांग्रेस से लेकर भाजपा तक सभी सरकारें विफल रही हैं। पिछले 20 सालों में इस क्षेत्र के 438 घर जलकर खाक हो चुके हैं और इसका कोई ठोस समाधान आज तक नहीं निकाला गया। कुछ सियासी खबरों की तरफ बढ़ें तो यह हफ्ता उन तमाम बागी दागी अभागी निर्भागियों के लिए बुरी खबर लेकर आया जो निकाय चुनाव में मार ताणी अखरीदों के लिए तैयार बैठे थे। निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टाल दिए गए हैं और ऐसे में तमाम नेताओं की जिकुड़ी में कबलाहट होना लाजमी है। टिकट लौफियाने के लिए भाजपा में जो घबरोल मचना तय है, उसके लिए अब अतिरिक्त 3 महीने का इंतजार कितना भारी होगा ये समझना है तो अपने आसपास के किसी ताज़ा भाजपाई के अंतर्मन को थोड़ा सा पतेड़ के देखिएगा, वो अपनी पूरी खैरी लगा देगा। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो बीते कई हफ्तों से सुर्खियों में होनी चाहिए लेकिन है नहीं। ये खबर है खलंगा में प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, जिसके लिए पेड़ों के कटान होना तय बताया जा रहा है और इसके विरोध में कई लोग बीते कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हर रविवार जागरूक नागरिकों का एक समूह खलंगा पहुंच रहा है और पेड़ों के कटान के विरोध में आवाज बुलंद कर रहा है। सरकार की ओर से अब तक कोई भी ठोस जवाब इस बारे में नहीं आया है कि पेड़ों के कटान पर कोई रोक लगेगी या नहीं। इस मामले में देश भर की सरकारें लगभग एक ही जैसा रवैया अपनाती हैं। बीते हफ्ते एक खबर उत्तर प्रदेश से भी आई कि वहां से उत्तराखंड आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए अब हजारों पेड़ काट दिए जाएंगे ताकि उनका यात्रा मार्ग चौड़ा हो सके। कमाल की दूरदर्शी सरकारें हैं हमारी। एक तरफ दिल्ली से लेकर देहरादून तक गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और दूसरी तरफ पेड़ों को निपटाने का काम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से किया जा रहा है। कांवड़ में भी दो तरह के लोग उत्तराखंड आते हैं, एक वो जो डीजे का शोर लिए कान फोड़ू संगीत बजाते हुए यहां पहुंचते हैं और दूसरे वो जो कठिन यात्रा करते हुए शांति और श्रद्धा से पैदल कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। इन पैदल यात्रियों को संभवतः पेड़ों की कीमत पता हो, जिनकी कठिन यात्रा में पेड़ की छांव एक अहम पड़ाव बनता है। लेकिन पेड़ों को काटकर सड़क चौड़ी शायद इसलिए की जानी चाहिए ताकि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते रहें। बहरहाल बीते हफ्ते एक सुखद खबर ये आई कि IIT से पास हुए 100 प्रसिद्ध IITians की सूची में चर्चित भूवैज्ञानिक VP डिमरी का नाम भी शामिल हुआ। इस सूची को 4 साल की रिसर्च के बाद कमांडर जेटली ने संकलित करते हुए एक किताब का रूप दिया है। इस किताब में ऐसे 100 IITians शामिल हैं जिन्होंने विदेशों की शानदार नौकरियों की जगह देश सेवा को प्राथमिकता दी और यहीं रहते हुए बड़े काम किए। अमर उजाला की खबर के अनुसार चमोली के डिम्बर गांव के रहने वाले VP डिमरी ने कर्णप्रयाग से शुरुआती शिक्षा के बाद धनबाद से IIT और फिर साल 1978 में जियोफिजिक्स से PhD की। उनका नाम देश के टॉप IITians में शामिल होने से पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। उन्हें हम सभी की ओर से ढेर सारी बधाई। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और उसके साथ ही 12 मासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई भी खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया पैलाग नमस्कार।